अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का जो रिश्ता मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इससे पहले हमारी छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दिया करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच जाए और हमारा साथ यूं ही बना रहे। तो दोस्तों, ये जो खातून है जिनका रिश्ता मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इनकी उम्र 44 इयर्स है, यानी कि 44 साल है। देखने में खूबसूरत हैं, तलाक इनकी हो चुकी है, यानी कि तलाक याफ्ता हैं। तकरीबन 2 से 2.5 साल हो गए हैं इनको अपने शौहर से अलहदा हुए। दो बच्चे हैं, दोनों जो हैं इनके साथ ही रहते हैं, एक बेटा है एक बेटी है। तो ये जो खातून हैं, देखने में भी जो है अच्छी खासी हैं, इतनी ज़्यादा उम्र लगती नहीं है, हालांकि 44 साल उम्र है, लेकिन देखने में इतनी उम्र नहीं लगती। मुसलमान हैं, फिरका सुन्नी है, इनकी तालीम जो है BA है, यानी कि 14 जमात पास हैं। काफ़ी अच्छी जो है ये ख़ानदान से इनका ताल्लुक है। तो इस वक्त जो है ये अपने वालदैन के घर पे ओकाड़ा सिटी में रहती हैं। ओकाड़ा जो कि सुबह पंजाब का शहर है, वहाँ पर ये रहती हैं अपने वालदैन के घर पे। तीन बहन भाई हैं, ये तीनों शादीशुदा हैं। वालिद का इंतकाल हो गया है, वालदा जो हैं वो भी हयात हैं। तो अभी जो है ये चाहती हैं कि दोबारा से शादी कर लें। तो रिश्ते के अबाउट जो इनकी डिमांड है वो मैं आपको बता देता हूँ। लड़का जो है उसकी उम्र 45 साल से ज़्यादा ना हो, पहली या दूसरी शादी करना चाहता हो। लड़का या तो कंवारा हो, या तलाक याफ्ता हो, या फिर रंडवा हो। इन तीन सूरतों में जो है मर्द हजरात वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो है कि पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहता हो, सुबह पंजाब का जो है रिहायशी हो तो ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। तो वो हमारे दोस्त मर्द हजरात जो चाहते हैं इनसे रब्ता करना, वो बराए मेहरबानी अपनी तमाम तर तफसीलात के साथ अपना व्हाट्सएप का नंबर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे रब्ता कर लेंगे। अगर आपके नसीब में हुआ तो ये रिश्ता ज़रूर आप लोगों के लिए खुशियाँ लेकर आएगा। तो इसी के साथ हम इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।